तो यहाँ पे जाम लगा हुआ है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे जाम छूट रहा है। तो कई लोगों के सवाल होते हैं कि जाम में कैसे हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब जब बहुत सारी गाड़ियाँ हो, ट्रैफिक हो, तो कैसे हम अपनी बाइक को हैंडल करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप अगर नए हैं बाइक सीखने में, अभी बिल्कुल भी अगर आपने अभी तक बाइक नहीं सीखा है, तो आप कहां पे मतलब बाइक सीखेंगे, कैसा रोड होना चाहिए बाइक सीखने के लिए या कैसी जगह होनी चाहिए बाइक सीखने के लिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप पुराने बाइक चलाने वाले हैं और फिर भी अगर आपको बाइक चलाने नहीं आता है, तो आप बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले सकते हैं और बाइक को रोड पर लेकर चलाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बिगनर्स के लिए बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम जहाँ पे मैंने बाइक सीखा था या जहाँ पे मैंने बाइक सीखना शुरू किया था वहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ है, तो इस जाम से थोड़ा बाहर निकलते हैं और यहाँ पे चलिए। तो सामने से भी आप देख सकते हैं गाड़ी आ रही है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का, इसलिए मुझे डर तो नहीं लगता है रोड पे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल भी रोड पे बाइक लेकर ना निकलें। और अभी मैं यहाँ वीडियो जो बना रहा हूँ गाइस, इसमें मैंने हेलमेट, पैर में शूज़ और साथ में जैकेट पहना हुआ है, हाथ में ग्लव्स भले ही नहीं है क्योंकि अभी मैंने ऑनलाइन नहीं किया हुआ है उसको, मतलब मंगाया नहीं है इसलिए नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी न्यू हैं, मतलब बिगनर हैं, तो आप बिल्कुल भी रोड पर ना निकलें बाइक लेकर। कई लोग जज्बात में मतलब होश खो देते हैं जल्दी जल्दी में, या किसी को चैलेंज करने के लिए या अपने आप को प्रूफ करने के लिए रोड पे बाइक लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है, आपको ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी की कोई कहे कि नहीं चलो आओ टक्कर लगाते हैं, या चैलेंज कभी भी एक्सेप्ट मत करिए अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि इसमें आपकी जान की सवाल है, ज़िंदगी है, तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाम लगा हुआ है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे जाम छूट रहा है। तो कई लोगों के सवाल होते हैं कि जाम में कैसे हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब जब बहुत सारी गाड़ियाँ हो, ट्रैफिक हो, तो कैसे हम अपनी बाइक को हैंडल करें, कैसे गियर, क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम वीडियो बना रहे हैं कि हम कैसी जगह पर बाइक सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में हम देखते हैं बिल्कुल भी खाली है, कि सामने ब्रेकर है, तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्रेकर पे भी कैसे गाड़ी आराम से एकदम स्मूथ तरीके से निकालते हैं। लेकिन अभी राइड का मज़ा लीजिए, बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक, मतलब जहां मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं वहां पहुंचने ही वाले हैं। और हमेशा बाइक चलाते समय ध्यान रखिए कि आप अपने मिरर का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूर करिए, क्योंकि कई लोग मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं या उनको पता ही नहीं होता है कि मिरर का इस्तेमाल क्यों करना है, कब करना है। और इसलिए मिरर का इस्तेमाल करिए अगर आप अच्छे बाइकर बनना चाहते हैं या अच्छे राइडर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर मैं टर्निंग लूँगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने टर्न ले लिया और यही वो जगह है जहाँ पे मैंने बाइक सीखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई कार सीख रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अभी कोई कार सीख रहा है और उन्होंने हैंड दिया है कि मैं अभी गाड़ी टर्न कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई महिला है जो कि कार सीख रही है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा सीखते रहना चाहिए, कार मोटर जो भी हो आपके पास, जो भी चांस हो सीखते रहिए, कभी भी पीछे मत भागिए। ठीक है, और डरिए तो बिल्कुल भी नहीं। कई लोगों ने कमेंट करा कि यार मैं 4 साल से बाइक सीख रहा हूँ, 10 साल से सीख रहा हूँ, बैलेंस नहीं बना पाता हूँ, ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। यार डरो मत, ठीक है, क्योंकि देखो बैलेंस बनाने के लिए गाड़ी आपके पास एक ऐसी स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको डर ना हो कि कोई किसी को टक्कर ना लगे, ऐसी जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ और न्यूट्रल में लेके आता हूँ, साथ में ये मेरी बाइक न्यूट्रल में आ गई। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये जो पूरा एकदम प्लेग्राउंड है, ये हमारे शहर का हवाई अड्डा है, मतलब एयरपोर्ट है। यहाँ पे कोई जहाज़ें नहीं उतरती हैं, बस इसको बना दिया गया है एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जहाज़ें नहीं उतरती हैं, यही वो जगह है जहाँ पर मैंने अपना खुद का मतलब बाइक जो है पहली बार स्टार्ट किया था सीखना। तो बिल्कुल भी मैंने भी बाइक लगभग, तो अगर आप माने तो मैं अकेले ही सीखा था, लेकिन मेरे साथ मेरे फादर थे, साथ में हमने बाइक सीखा था। लेकिन
मैंने ज़्यादातर एक्सपीरियंस अकेले ही लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में बाइक सीखना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक जगह हो, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी डर ना लगे कि यार किसी को टक्कर लग जाएगी या कहीं किसी की गाड़ी को ठोक ना दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक जगह हो, अगर आपके पास में कोई जगह है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं आपको लेके चलता हूँ रोड पर भी, और मैं आपको बताऊँगा कि रोड पर आप अकेले कैसे बाइक सीखेंगे और रोड किस कैटेगरी की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जगह देख लिया, ठीक है, ये हवाई अड्डा है, चलिए चलते हैं आप रोड पर। अभी जो मेरी गाड़ी है गाइस वो एक के गियर में है, क्योंकि यहाँ से मैं बिल्कुल धीरे धीरे अभी बाइक चला रहा हूँ। एक के गियर में, देखिए एक के गियर में मेरी बाइक, आप देख रहे हैं मैं अगर एक्सीलरेटर थोड़ा भी दे रहा हूँ तो मेरी बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, देखिए बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और बहुत मतलब धीरे धीरे चल रही है। तो एक के गियर का जो इस्तेमाल है वो हमेशा हम करते हैं किसी भी ऊंचाई वाली चीज़ पर चढ़ाने के लिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊंचाई चीज़ है, तो यहाँ पे चढ़ाने के लिए मैं एक का गियर इस्तेमाल कर सकता हूँ या टू का गियर, क्योंकि कहीं भी चढ़ने के लिए हमारी बाइक को इंजन को जो है उसको पावर की ज़रूरत होती है, और अगर हम पावर नहीं देंगे चार के गियर में, पाँच के गियर में, छः के गियर में गाड़ी को चलाएंगे तो हमारी गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी ऊपर, ठीक है। इसलिए कहीं भी जाने के लिए हमें अपनी गाड़ी को पावर देने की ज़रूरत होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऊंचाई पे चढ़ाते समय आप हमेशा एक या दो का गियर रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा होता है। मैं आगे आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग गाड़ी को ऊंचाई पे चढ़ाते हैं, कैसे उतारते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे समय समय पर आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी नहीं। रिसेंटली हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल खाली रोड है और वहाँ पे मतलब कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे भी हम बाइक सीख सकते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ अपने इस वीडियो में कि आप बाइक किस स्थिति में मतलब कौन सा जगह हो, रोड हो जहाँ बाइक सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकर है और इस ब्रेकर को हम पार करते हैं। सामने आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल खाली है, इसलिए मैं गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के निकाल लेता हूं, क्योंकि हमेशा गाड़ी राइट साइड से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप राइट साइड से नहीं निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। गाइस यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि मैं अपनी बाइक से चल रहा हूँ, ठीक है, चल रहा हूँ और सामने कोई गाड़ी है या भीड़ है, वहाँ पे मुझे अपनी बाइक स्लो करनी है, तो वहाँ पे हमें अपना जो एक गियर है उसको कम करना होता है। कम इसलिए करना होता है ताकि हमारी जो बाइक है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाए और हम एक्सीलरेटर को भी थोड़ा धीरे कर देते हैं, ठीक है। और जब हम उस भीड़ से बाहर निकलते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है और हमें यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो मुझे तो सीधे जाना है, और यहाँ पे मैं चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ गांव में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं आगे, मैं आपको बस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का रोड होगा जहाँ पे आप बाइक सीख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, आसानी से। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप गाड़ी सीखेंगे तो आपको चोट लगने की समस्याएँ ज़्यादा हो जाएंगी, चोट आपको भी लग सकता है और दूसरों को भी लग सकता है चोट। और यहाँ पे जो जिस रास्ते पे मैं आपको ले जा रहा हूँ वो रास्ता मुझे भी किसी ने बताया है कि वहाँ पे मैंने कभी कार सीखा था, ठीक है, मुझे याद है। वैसे तो कार मैं अभी भी अच्छे से नहीं चला पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वहीं पे कार सीखना शुरू किया था अपना। तो ये जो यहाँ पे मैंने कार सीखा था, ये एक गांव का इलाका है, ये गांव से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं रहता है किसी भी गाड़ी मोटर का, मतलब बड़ी बड़ी हाईवे पे जो ट्रकें चलती हैं, बसें चलती हैं, उनका बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो ऐसी जगहों पे आप आसानी से बाइक सीख सकते हैं। लेकिन गाँव में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कई जगहों पर ब्रेकर बनाए रहते हैं, जैसे कि लोगों के घरों के सामने या जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या वाली आबादी होती है वहाँ पर ब्रेकर्स बनाए रहते हैं, और साथ में जानवर, बच्चे, औरतें, आदमी, ये सब आते जाते रहते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेकर भी बहुत ज्यादा होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी खाली रोड होते हैं, देखिए ये टर्निंग है, टर्निंग पर मैंने बाइक टर्न करने से पहले मैंने एक गियर कम कर लिया है और बाइक को स्लो कर लिया है ताकि मेरी बाइक हमेशा कंट्रोल में रहे। कभी भी गाड़ी चलाइए तो बाइक को कंट्रोल में रखना शुरू सीखिए, ठीक है, और अगर आपकी बाइक कंट्रोल में नहीं रहेगी तो फिर आप अनबैलेंस हो जाएंगे, जब आप अनबैलेंस हो जाएंगे तो बाइक तो डेफिनेटली गिरने ही वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गांव से कटा हुआ इलाका है, यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, क्योंकि अगल बगल आप देख सकते हैं खेत है, और खेत होने की वजह से लोग दिन में आते हैं अपनी खेती करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो यहाँ पे अक्सर लोग नहीं होते हैं। तो अगर आपको बाइक सीखना है तो आप ऐसी जगह पर आ सकते हैं, अगर आपके आस पास भी ऐसी जगह है तो आप वहाँ पर बाइक सीख सकते हैं।
और खाली जगहों में ये होता है कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। देखिए, जब आपको डर नहीं लगेगा तो आप अच्छे तरीके से बाइक चला पाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। इसके बाद आपको रोड का भी एक थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि रोड पर बाइक कैसे चलाते हैं। बाकी आपके जगह के हिसाब से है, अगर आपके पास है वैसी प्लेस तो आप चलाइए, और अगर वैसी प्लेस नहीं है तो आप को जो मैंने खाली मैदान दिखाया था आप वैसी जगह पर भी बाइक चला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप गियर का भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यूटिलाइज़ का मतलब है कि आप अपने जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं और दूसरे चैनल्स में, दूसरे वीडियोस में जो भी आपने देखे हैं, वहाँ पे जितने भी लोग आपको बताते हैं कि एक का गियर लगाना है कब, दो का गियर कब लगाना है, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो ऐसी खाली जगहों पे आप अपनी उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, किसी को चोट लगने का डर नहीं है, और साथ में यहाँ पे एक दो लोग आते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल रोड का एक्सपीरियंस मिलेगा कि रोड पर बाइक कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे खाली जगह पर ही बाइक चलाना शुरू करें, और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप मैदान में या जो भी आपका खाली फील्ड है वहाँ पे भी बाइक आप यूज कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने यहाँ पे कार सीखा था, मैंने आपको बताया था कि मैंने यहीं पे कार सीखा था, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं अभी कार में बिगनर हूँ, मतलब लर्नर हूँ, तो इसलिए मेरे पास अभी कार का जो लाइसेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाइक का जो लाइसेंस है वो मैंने अप्लाई कर दिया है और बहुत ही जल्द मेरे पास आ भी जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।